टारगेट में आप देखिएगा, बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे डाटा वाला निकाल रहे हैं वीडियो, आप देखेंगे भी वहाँ पर भी आप वीडियो में देखिएगा तो कितने बच्चे बैठते हैं, मान लो इलेक्ट्रिकल में 1,00,000 बच्चे बैठते हैं, 1,00,000 बच्चे बैठते हैं तो कितने बच्चे सिंसियर होते हैं, 10,000 बच्चे सिंसियर होते हैं, 90,000 मेरे जैसे होते हैं। ये सब मैं बीटेक में था, अरे गेट का फॉर्म भर रहा है सब, चलो मैं भी भर देता हूँ यार, 500 रुपया तो लग रहा है, कुछ होगा गेट में, ये होता है वो होता है, एक दिन डिस्कशन चला, हमने भी भर दिया। कुछ लोगों का देख के सब भर रहे थे, मेरे दोस्त भी भर रहे थे जो मेरे साथ रहने वाले, बोला ये भर रहा है तो मैं भी भरूंगा, भर दिया गेट का पेपर। वैसे ये लोग होते हैं, तो 90,000 लोग होते हैं, और 90,000 में से 10,000 सिंसियर पढ़ने वाले थे, 10,000 में से 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट पढ़ने वाले मात्र 2 से 3 हज़ार होते हैं, जो 12 सब्जेक्ट खूब के पढ़े होंगे, 12 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और वो 12 सब्जेक्ट पढ़ने वालों में से अच्छा से रिवीजन करने वाला उसमें भी 1,000 ही बच्चा होगा या 1,500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी अच्छा से रिवीजन, अच्छा से पढ़ाई करने वाला 1,500 से 2,000 होता है, उस 2,000 में तुम्हारा सिलेक्शन कंपटीशन है, तुम बेस्ट करोगे, बेस्ट करोगे। याद रखना, जैसे तुम हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम भूल रहे हो, तो सामने वाला भी भूल रहा होगा। मैं मान लो कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, या मान लो मैं नेटवर्क पढ़ाता हूँ, या मान लो मैं कंट्रोल पढ़ाता हूँ, डिजिटल पढ़ाता हूँ, मान लो ये सब चीज़, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज अभी मैं उठाऊँ और बोलूँ कि कम्युनिकेशन में तुम्हें पूरा टू दी पॉइंट एग्जैक्ट एवरीथिंग मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, मेरे दिमाग में सब स्टोर होगा, गलत। क्या होगा? गलत। हो ही नहीं सकता कि मुझे सारा बात याद हो, जबकि मैं 12-13 बार या 15 बार या 20 बार कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, 20-25 बार पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बार नहीं पढ़ाया, मुश्किल से 20 बार पढ़ाऊंगा। EMT थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ाया हूँ, 100-125 बार होगा, 100 बार हुआ होगा पूरे 12 साल के कैरियर में। तो मैं कम्युनिकेशन 15-20 बार पढ़ाने के बाद से फिर भी भूल जाता हूँ, तो तुम कौन से आदमी हो भैया? जब मेरा ये एज हो गया, मेरा सोचने की शक्ति तुमसे अच्छी हो गई, याद करने का भी तरीका अच्छा हो गया, मैं समझ के बनाया हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, खुद एनालाइज किया हूँ, खुद ड्राइव किया हूँ, तब भी मैं भूल रहा हूँ, तब तुम क्या सोच सकते हो कि जब मुझे हर एक बात याद नहीं रह रहा है तो तुम्हें कहाँ से याद रहेगा? सिंपल सी बात है। तो मेहनत करते रहो, अपने आप पाओगे, रिविजन करते रहो, अपने आप आगे बढ़ोगे बाबू, सिंपल सी बात है। सोनू सर कभी झूठ नहीं बोलेंगे तुमसे यहाँ पे आके, तो बस करते रहो, रगड़ते रहो, क्वेश्चन बनाओ, खूब बनाओ, बुकलेट बनाओ, कोई तो बुकलेट फॉलो की होगी, कुछ तो क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा सोर्स, PYQ बनाओ, नहीं बुकलेट है ना, PYQ बनाओ, 10 बार रगड़ जाओ PYQ, हो गया काम खत्म। अब 10 बार रगड़ने के बाद क्या होता है, बच्चा आंसर ही याद कर लेता है, अरे इसका आंसर तो 0.5 था, 0.5 ऐसे थोड़ा होता है, उसे बढ़िया से समझो। डर तो हमको भी लगता है, तुम्हें कहानी बताए, कहाँ फंसा देते हो यार तुम लोग। जब मैं गेट का एग्जाम देने गया था, किसका एग्जाम देने गया था, गेट का, 2012 की बात है। वैसे मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा हूँ एग्जाम देने में, कभी नहीं डरा हूँ लाइफ में, मैं कभी नहीं डरा हूँ, कोई भी एग्जाम देने गया हूँ खुले में दिल से गया हूँ। जब मैं 2006 में ITJEE का एग्जाम देने गया था, 2-2 घंटा का गैप था उसमें, 3-3 घंटा का, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में डाल दिया था, खाने के लिए कुछ ले नहीं गया था, पार्ले जी बिस्किट एक ही था, आराम से 2 घंटा सोया, एग्जाम दिया, 2 घंटा सोया, एग्जाम दिया, ITJEE 2006 का, सही बताते हैं। AR EEE का तो ऐसे ही गया था, ऐसे एग्जाम दे दिया था, 12,000 रैंक आए थे, माइंड चिल करके। फिर अगला बार ITJEE का एग्जाम दिया, अगला बार ITJEE का एग्जाम दिया, AR EEE का एग्जाम दिया, उस समय भी नहीं डरा था मेरे दोस्त, गेट के एग्जाम में डर गया, क्योंकि उस समय क्या था, मैंने जॉब छोड़ी थी, दूसरी बात मेरा BTEC कम्प्लीट 1 साल हो गया था, 1 साल का गैप लिया था, तो डर आ गया था। डर समझते ना, इंसान को अंदर से डर आना एकदम सही है बाबू, एकदम डर आया था मेरे को, बहुत डर गया था मैं कि यार एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा, कैसा जाएगा, और सब चिल टाइप दिया हूँ, सब एग्जाम निकाला हूँ, जितना कैपेबिलिटी था उससे ऊपर ही निकाला था, लेकिन इसमें मैं डर गया तो हुआ क्या, एग्जाम खराब गया। घर पे पहली बार माँ को फ़ोन किया, पापा नहीं है, माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ रे हमको आशीर्वाद दी है कि आज हम बढ़िया से एग्ज़ाम दे दी, सही है, यही हम भोजपुरी में बोले थे, माँ रे प्रणाम, आज आशीर्वाद दी है कि हम बढ़िया से एग्जाम दे दी, हिंदी में जो आज मुझे आशीर्वाद देना कि मैं एग्जाम अच्छा से चला जाए मेरा। बोली जा बेटा अच्छा से हो जाएगा तुम्हारा। शुरू के 6-7 क्वेश्चन नहीं बने, मोरल डाउन, डर तो पहले से ही है, मोरल डाउन,
ऊपर से स्वेटर नहीं पहना था तो हाथ कांपने लगा, गेट का पेपर खत्म, पेपर खत्म। फिर आसपास शकल घुमाया, देखा किसी से भी नहीं बन रहा है, तो मैंने सोचा मैं कौन सा महान आदमी हूँ, कि मेरे से भी बन जाएगा। फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आया, फिर बनाना स्टार्ट किया। उस दिन ऐसा हुआ कि दो लेडीज लोग मेरा इन्वेस्टिगेटर बन गई। अब दो लेडीज लोग बैठ जाएंगी जहाँ पे, सॉरी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेडीज की बात कर रहा हूँ, दो लेडीज लोग अगर एक जगह मिल गई तो ननद, सास, ससुर, देवर सबकी कहानी स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, सारा कहानी स्टार्ट। अब भनूर 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 कर रही है, मैं आगे बेंच पर बैठा हूँ, बस कहानी खत्म। उसके बाद से मैंने उनको सुनाया कि भैया शांत हो जाएगा, तो ऐसे ही पेपर नहीं अच्छा जा रहा, ऊपर से तो मेरे को ऐसे बोल रहे तो और पेपर खराब जाएगा, तो वो समझाया। फिर जाके मेरा पेपर गया, 220 रैंक आया, 88 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, 47-48 नंबर आया था। उस समय का पेपर वो सबसे टफ माना जाता गेट का, 2012 का पेपर। मैंने सोचा 95 में 10 रैंक, फर्स्ट रैंक ला रहा है, 95-90 में 10 रैंक ला रहा है, तो वही है भाई, समझ गया, 10 रैंक 90-95 में आ रहा है, अंडर 10 लाना है तो 90-95 का अटेम्प्ट करना है। मैंने भी 88 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया, बोला कि जय बजरंग बली, जो होगा देखा जाएगा। और इसी कंसेप्ट से मैंने ATC का अटेम्प्ट किया था, आंख मूंद के मारा था क्वेश्चन में ऑप्शन, जनरल GS आता नहीं था, मारा था, ATC में सिलेक्शन हो गया था। जिस दिन चिल देखो के एग्जाम दिया हूं, जिस दिन चिल होकर एग्जाम दिया ना, उस दिन मेरा पेपर अच्छा गया, जिस दिन मैं चिल होकर एग्जाम दिया, समझ गया, उस दिन पेपर अच्छा हुआ। तो चिल टाइप रहना, उस दिन पेपर अच्छा जाएगा। सोना बहुत अच्छे से,